तो गाइस टॉपर ये वाला ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से ऐसे वीडियो बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से, और साथ ही साथ वीडियो में आपको किस तरह से स्मोक इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं बिना पाउडर का यूज़ करें। तो यहाँ पर सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। अब यहाँ पर जो यार सबसे पहले वीडियो को किस तरह से बनाना है वो जान लेते हैं। यहाँ पर जब आप फर्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वीडियो बनाना है। अब यहाँ पर अगर आपका जैकेट पीछे की ओर सही से नहीं जाता है तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस जैकेट के अंदर यहाँ पर कुछ सामान डाल सकते हैं, जैसे कोई कपड़ा हो गया, या फिर यहाँ पर आप कोई बैग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बैग डाल रखा है अंदर इस तरीके से, तब मैंने यहाँ पर वीडियो को इस तरीके से शूट करा है। अब इसको यहाँ पर आपको सेकेंड वीडियो कुछ इस तरीके से बना लेना है। तो इस तरीके से यार वीडियो बन जाने के बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने गाइडेंस टैब को यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको प्लस पे टैप करके आपको यहाँ पर ये वाला डिशो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर गाइस हम यहाँ पर उन दोनों वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जो भी वीडियो हमने यहाँ पर शूट करा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मीडिया पर जाकर यहाँ पर आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पर दोनों वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है जो वीडियो मैंने यहाँ पर शूट करा था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इस लेड पर क्लिक करना है, और इस लेड में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर आपको इस वीडियो में कट कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस वीडियो में थोड़ा सा आगे आना है इस तरीके से। तो यहाँ से मेरा वीडियो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लैपटॉप लेपार्ट को हटाना होगा। तो यहाँ पर आपको सीजर वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ट्रिम टू लैपटॉप लेट कर देना है। तो इस तरीके से लेफ्ट से यहाँ पर कट हो जाएगा, और इसी के बाद यहाँ पर आपको राइट में आना है यहाँ पर। और जब आप इस तरीके से यहाँ पर जैकेट को नीचे से उठाकर जैसे ही यहाँ पर आप पीछे की ओर फेंकते हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर ये जैकेट जैसे ही यहाँ तक आएगा तो आपको इस वीडियो को यहीं तक रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट वाले पार्ट यहाँ पर कट हो जाएगा। तो इस तरीके से यार आपको इस वीडियो को यहीं तक रखना है। एक बार मैं प्ले करके वीडियो को देख लेता हूँ। तो यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। अब आपको यहाँ पर इस लेड पर भी क्लिक करना है, और इस लेड में आपको आगे आना है। आगे आने के बाद जब आप यहाँ पर नीचे की ओर जाने के बाद आप जैसे यहाँ पर खड़े होंगे इस तरीके से, तो जैसे कि मेरा वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लेफ्ट लेपार्ट को हटाना होगा। तो आपको फिर से आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ट्रिम टू लैपटॉप प्लेट कर देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको राइट में आना है, और इस वीडियो को आपको जहाँ तक रखना है उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर गाइस अगर आपको इस वीडियो में स्मोक इफेक्ट डालना है तो आपको इस वीडियो में स्मोक वाली वीडियो आपको यहाँ पर लेकर आना होगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको इस वीडियो को लेकर आना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे अगर आपको लगाना है तो नीचे इस तरीके से कर देना है। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर आपको क्रोमा की मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीचे यहाँ पर की कलर में ग्रीन कलर ही सिलेक्ट होना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि नीचे आना है, और कलर फिल्टर आपको मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको वाइट वाला आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पर इस वीडियो को लगा लेंगे, एक बार मैं इस वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्मोक इफेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर गाइस आपको इस वीडियो में साउंड को ऐड कर लेना है। तो साउंड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर टिकटॉक से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेड पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया पर क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसी वीडियो का साउंड हमें यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सीजर वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। तो इससे क्या होगा कि इस वीडियो का ऑडियो बाहर निकल के आ जाएगा। अब हमारा इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो इस तरीके से यार अपने वीडियो में यहाँ पर ये साउंड ऐड हो जाएगा। और चलिए एक बार मैं इस वीडियो को प्ले करके देख लेता हूँ। तो इस तरीके से यार अपना वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से यार आपको यहाँ पे वीडियो को बना लेना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाले पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहता हूँ।